से नहीं, 6 महीने से हम इसी मसले में हैं। ये स्मार्ट मीटर्स को यहाँ पे लगाना चाहते हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि ये जो हमारा एरिया है, ये पूरा का पूरा जो है बिलो लाइन से बिलोंग करता है। यहाँ पे सारे मजदूर तबके से बिलोंग कर रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर्स को लगाने नहीं देते। क्यों? हमें पता है, हर किसी को बोलते ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। हम नहीं दे सकते हैं उतनी बिल, और जबकि हमारा अपना पावर है, हमारा सब कुछ अपना है। हम कश्मीरी में क्यों कभी जुल्म है? सारा जुल्म हम कश्मीरियों पे ही हो रहा है। हम इसको लगाने नहीं देंगे। यही बात हम परसों से कह रहे हैं, 6 महीने से कह रहे हैं। कल भी आए, कल से 3 दिन से हमारी बिजली कट है। हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, 3 दिन से बिजली बंद है। कोई बीमार है वो ऑक्सीजन पे, उसकी वजह से भी बंद है। आज बच्चों के एग्जाम का सेशन है, ये आपको भी पता है, अक्टूबर सेशन एग्जाम उसका होता है, तो हमारी बिजली बंद है ना। हमारा कुछ पानी भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्मार्ट मीटर्स की वजह से बंद है। कि स्मार्ट मीटर्स, मगर हम स्मार्ट मीटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसका बिल। अगर पावर भी हमारा है, सब कुछ हमारा, अपना कश्मीर का, इतना जुल्म कश्मीर में क्यों? ये नौगाम इतना बड़ा एरिया है, ये जानबूझ के इसी कॉलोनी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? यहाँ से बाकी महल है, DDC कैंडिडेट का मोहला है, वो भी तो नहीं, उसमें भी तो नहीं लगे हैं स्मार्ट मीटर्स। यहाँ दूसरा बनपुरा है, उसमें स्मार्ट मीटर्स, सिर्फ इसी कॉलोनी को टारगेट कर रहे हैं हर बार। वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।